हेलो एवरी वन वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन एंड टुडे वे गोइंग टू स्टडी सिंपल प्रेजेंट टेंस टेंसेस शुरू कर रहे हैं हम तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम एक सीक्वेंस में जाएं सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सिर्फ टेंसेस को सिर्फ एक स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे हम उनका यूसेज समझेंगे अगर हम टेंसेस का यूसेज समझ जाएंगे तो बिलीव करिए टेंसेज को समझना बड़ा आसान हो जाएगा ठीक है तो हर टेंस ten, की एक ख़ास यूसेज होती है एक यूनिक यूज़ होता है कि वो टेंस उस सिचुएशन में वही टेंस ही यूज़ होगा अगर कहीं थोड़ा सा वेरिएशन होता है या जैसे इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं टेंसेस तो वो मैं आपको बता दूंगी लेकिन इन स्पेसिफिक यूसेज़ के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होता है जैसे कि रेगुलर हैबिट्स या हमारे रूटीन की बातें जब हम करते हैं तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते हैं चाहे वो एफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो है ना आई गेटअप एट सिक्स ए एम आई डो नॉट गेटअप एट सिक्स एम आई गो टू स्कूल एवरी डे आई डो नॉट गो टू स्कूल एवरी डे जो भी बोलना है चाहे हमें नेगेटिव बोलना हो या एफर्मेटिव बोलना हो लेकिन हम उसको सिंपल प्रेजेंटेंस ही यूज कर रहे हैं यह हो गया रेगुलर हैबिट्स फिर हो गया फैक्ट्स और जनरलाइजेशन अब वो फैक्ट करेक्ट है या नहीं है दैट्स नॉट द पॉइंट द पॉइंट इज ग्रामेटिकल यूज कैसा है कैट्स लाइक like मिल्क अगर यहाँ पे कैट्स लाइक डॉग्स भी बोल देंगे हम तो भले ही वो फैक्चुअली राइट होगा या नहीं होगा लेकिन ग्रामेटिकली uh, करेक्ट है विंडोज आर नॉट मेड ऑफ वुड सम पीपल मे कंटेंट देर मेड ऑफ वुड ओके द पॉइंट इज वी आर यूजिंग सिंपल प्रेजेंटेंस टू टॉक अबाउट दीज फैक्ट्स और जनरलाइजेशन फिर एक चीज होती है स्केजूल्ड इवेंट्स इन द नियर फ्यूचर ये जो इवेंट्स हैं ये ऐसे इवेंट्स हैं जो प्लान हैं और नियर फ्यूचर में मतलब आने वाले निकट भविष्य में जिसको हम कहते हैं होने ही वाले हैं तो इनके बारे में बात करने के लिए स्पेशली जैसे कोई ट्रेन का टाइम आने ट्रेन का टाइम हो बस का टाइम हो है ना जो काम हम अभी करने ही वाले हैं तो उसके लिए हम सिंपल टेंस यूज करते हैं जैसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं द बस विल लीव टू नाइट एट सिक्स पी सिक्स पी एम ऐसे भी बोल सकते हैं लेकिन द बस लीव्स टू नाइट एट सिक्स पी एम क्योंकि ये एक प्लैंड इवेंट है इसलिए हम इसको ऐसे बोल सकते हैं वेन विल वी बोर्ड द प्लेन फ्यूचर टेन सिंपल फ्यूचर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन क्यों एक प्लान्ड इवेंट है और नियर फ्यूचर में होने वाला है वैन डू वी बोर्ड द प्लेन भी बोल सकते हैं द पार्टी विल स्टार्ट एट एट ओ क्लॉक भी सही है लेकिन द पार्टी स्टार्ट एट एट ओ क्लॉक बोल दे देंगे तो भी गलत नहीं है क्योंकि ये एक प्लान और नियर फ्यूचर में होने वाला इवेंट है वेरी गुड अब यूजुअली हम जो एडवर्ब्स यूज़ करते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी देखिए हम टेंसेस पढ़ रहे हैं लेकिन साथ में एडवर्ब्स भी कवर हो रहा है कैसे हो रहा है कि जो ऑलवेज ऑफन यूजुअली समटाइम्स रेयरली नेवर एवरीडे ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कोई भी एक्शन कितनी फ्रीक्वेंटली हो रहा है जब भी हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे है ना आई ऑलवेज कम टू स्कूल बाय का आई ऑफन कम टू स्कूल बाय का आई समटाइम्स कम टू स्कूल बाय का आई नेवर कम टू स्कूल बाय का देखा आपने तो हमने बहुत सारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूज़ किए हैं लेकिन आप देखना हम चाहे कोई भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं लेकिन टेंस कौन सा है सिंपल प्रेजेंट टेंस आई डोंट कम हियर वेरी ऑफन आई डोंट कम हियर Every day. Okay. I he rarely eats breakfast at seven AM Hana? He always eats breakfast at eight AM henna. Sometimes I go to party. He she rarely cooks. She always cooks. She cooks every day. Hana? Simple present tense. Um Isme egg cheese मुझे पता नहीं आपने भी नोट की है या नहीं की है लेकिन अगर आपके दिमाग में वो क्वेश्चन अगर है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताइए कि वो क्या क्वेश्चन है और आप मुझे भी बताना कि आपका वो क्वेश्चन या वो क्वेरी आपकी इस वीडियो के थ्रू सॉल्व हुई है या नहीं हुई है ये है वो क्वेरी कहीं पे आपने ये देखा होगा कि ये वाले जो सेंटेंसेस हैं कहीं पे तो एस लगा है वर्ब में कहीं नहीं लगा है है ना उसका एक फिक्स रूल है और उस रूल को याद करने के बजाय हम सिर्फ इतना याद करते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही शी इट मदर रिया राम मोहन ये सारे कौन है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं ठीक है न ये आई है न ये यू है न ये दे है है ना तो ये क्या है ये सारे सब्जेक्ट्स कौन से हैं ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इनके साथ में जब वर्ब लगता है तो वो सिंगुलर इन नेचर होता है थोड़ा सा यहाँ पे हमको ये याद रखना होगा कि जब वर्ब में एस लगता है ना तो वो सिंगुलर होता है दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी रिमेंबर नाउन्स में एस लगता है है, तो हो जाता है, लेकिन वर्ब में एस लगता है तो वो सिंगुलर होता है ठीक है जैसे कि यहां पे आप बताइए मुझे थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन सा है सब्जेक्ट वेरी गुड ही है तो ही के साथ में लगाया हमने ईट्स शी के साथ लगाया हमने कुक्स और ही के साथ में लगाया इज़ ये तो क्योंकि ये बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है है ना ऑक्सिलरी है इसकी अलग से बात करेंगे एंड दे स्लीप हाँ ये तो दे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है थर्ड पर्सन प्लूरल है तो जो हमारा ही और शी है है ना इसके साथ में हमने क्या यूज़ किया है इज़ यूज़ किया है या वर्ब के साथ में एस यूज़ किया है तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ना पता है क्या बताती हूँ कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में ना एस वाले वर्ब्स का ध्यान रखना कि एस आएगा अगर वो मेन वर्ब है तो उसके साथ में ईट्स स्लीप्स ड्रिंक्स कम्स कुक्स ये आ जाएगा और अगर वो ऑक्सिलरी है तो उसके साथ में आएगा इज डज़ हैज़ ये आएगा और ये बहुत अच्छा हिंट है इस हिंट के साथ में ना आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा लेकिन वही अगर प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बोलने में बहुत आराम आ जाएगा लिखते समय तो हम हिंट याद कर सकते हैं बोलने के टाइम पर हमको इसको याद करके अच्छे से प्रैक्टिस करके और फिर अपने आप को अपनी हैबिट में लाना पड़ेगा ठीक है अब ये ये आया है वो रूल कि टू फॉर्म द थर्ड टू फॉर्म द सिंपल प्रेजेंट वी एड एन एस to the infinitive of the verb in the third person singular. जैसे he, she, it है तो infinitive of the verb क्या होता है जो first वाला form होता है ना verb का वो infinitive होता है है ना जैसे live, lived, lived. ठीक है तो infinitive form कौन सा होता है उसका first form होता है ना वो मतलब है इनका तो he lives, he sings, she lives, she sings. ऐसे ठीक मदर कुक्स फादर कुक्स माई सिस्टर कुक्स ऐसे थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना अब एस तो हमको लगाना ही है वर्ब में ये हमको पता चल गया है लेकिन उस एस को हम किस तरह से मतलब कभी एस लगेगा कभी ई एस लगेगा तो वो जो वो हमको जो ध्यान रखना है ना उसमें एक सिंपल रूल होता है ये ओ से अगर एंड होता है तो ई एस लग जाता है डबल एस से एंड हो रहा है तो भी ई एस लग जाता है सी एच से एंड होता है तो ई एस लग जाता है एस एच से एंड होता है तो भी ई एस लग जाता है और एक्स से एंड हुआ तो भी ई एस लग गया ठीक है, है अगर इन सब में एंड नहीं हो रहा है जैसे ईट है या कुक है तो ईट और कुक तो इन सारे लेटर्स से एंड नहीं हो रहा है है ना तो उसमें क्या लगेगा सिंपल एस लग जाएगा जैसे ईट्स ड्रिंक drink, तो ड्रिंक्स ड्राइव drive, तो ड्राइव्स है ना ऐसे हो जाएगा और ये जैसे हम प्लूरल uh, बनाते हैं ना जैसे नाउंस के प्लूरल बनाते हैं उसी तरह से जैसे कॉपी कॉपीज़ बनाते हैं तो सी ओ पी वाई होता है और उसका जो प्लूरल होता है वो कॉपीज़ हो जाता है उसी तरह से कॉपी वर्ड जो है ना वो क्या है नाउन भी है और वर्ब भी है तो वर्ब में भी सेम ही रूल फॉलो होगा है ना तो स्टडी है तो स्टडीज हो जाएगा आई कॉपी द टेबल्स तो कॉपी लिखा तो कॉपीज शी कॉपीज द टेबल्स हो जाएगा ठीक है तो ये रूल है वाउल विच इज़ फॉलोड बाय वाई वी एड एस जैसे वाउल है ए उसके बाद में लगा है वाई तो सिंपल एस लग जाता है उसमें आई ई एस नहीं लगता है, ये तो हमको सब पता ही है, है ना। ठीक है अब आते हैं हम नेगेटिव पे नेगेटिव्स बनाते हैं या जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं ना उसमें बड़ा डाउट होता है हमको हमको इसमें एक ही चीज़ याद रखनी है जो एस वाला रूल मैंने आपको बताया है है ना मतलब समझ लेना अगर आई यू दे है ना तो डू लगेगा और ही शी इट है मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही शी इट है तो उसमें एस लगेगा मतलब डज लग जाएगा ठीक है डू यू लाइक डू दे लाइक डू आई लाइक तो जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे डज शी लाइक डज ही लाइक डज इट लाइक ठीक है और इसका प्लूरल बनाने में तो मतलब इसका नेगेटिव बनाना तो बहुत ईजी है है ना डू का डोंट हो जाता है डज डौस का डजेंट हो जाता है ठीक है अब अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप एक काम कर सकते हैं आप मुझको ईमेल कर सकते हैं ईमेल एड्रेस आ, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको और आप मुझको कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपना सेंटेंस बता सकते हैं अगर आपको उसमें कुछ डाउट हो तो है ना क्योंकि आपको अगर कोई भी डाउट हो ना तो आप कहीं और सर्च करने के बजाय या कन्फ्यूजन के साथ यहाँ से जाने के बजाय आप मुझे तुरंत अपना डाउट लिखकर करके भेजिए मैं आपको क्लियर कर दूंगी ठीक है जैसे ही जो एस वाला रूल है ना आप बस ये याद रखोगे तो आपको ध्यान रहेगा ठीक है अच्छा ये नेगेटिव इंटरोगेटिव देखा हमने जिसके ज, जो क्वेश्चन जो नेगेटिव भी है जिसमें नॉट लग रहा है आई डू नॉट कुक है ना और इंटर और और इंटेरोगेटिव भी है डू आई कुक डू यू कुक ठीक है तो ये हमने देख लिया और हमने ये दे, भी देख लिया कि ऑक्सिलरी जो है ना इसके अंदर डू लगता है या तो डू लगेगा या डज लगेगा ठीक है अब एफर्मेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव तो इसमें हमने क्या देखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट प्लस ऑग्जलरी ठीक है जैसे आय गो टू स्कूल फर्स्ट वाला सेंटेंस देखना आप ठीक है आय सब्जेक्ट है वर्ब क्या है गो ठीक है टू स्कूल और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो क्या होगा शी गोज टू स्कूल अब नेगेटिव इसका बनाएंगे तो कैसे बना हमारा मैंने आपको अब मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ ठीक है पहले मैंने आपको सेंटेंसेस बता दिए हैं नाउ आई एम गिविंग यू द द स्ट्रक्चर अब नेगेटिव बनाएंगे कैसे बनेगा आई, ऑक्सिलरी कौन सा लगेगा या तो डू लगेगा या डज लगेगा आई डू नॉट गो टू स्कूल और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है शी डज़ नॉट गो टू स्कूल दे डू नॉट गो टू स्कूल ही डज नॉट गो टू स्कूल रूया डज़ नॉट गो टू स्कूल ठीक है ये नेगेटिव हो अब इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होता है ऑग्जलरीज पहले आ जाएंगे तो डू दे गो टू स्कूल डू यू गो टू स्कूल डू आई गो टू स्कूल किसी को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगा ना तो कन्फ्यूज होकर पूछ सकते हैं टू आई गो टू स्कूल ऐसे सेंटेंसेस ना ग्रामर में मिलते हैं ठीक है देन थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो क्या हो जाएगा एस वाला ऑक्सिलरी आ जाएगा कौन सा वाला आ जाएगा डज ठीक है डज शी गो टू स्कूल डज योर सिस्टर गो टू स्कूल डज योर ब्रदर गो टू स्कूल डज योर नेबर गो टू स्कूल डज mary's lamb go to school You remember the nursery rhyme yeah. ठीक और ये बहुत सारे सेंटेंसेस है. हैं मतलब हमको कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऐड करना है और स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिया हुआ है i live in indore i don't live in bopal अब फिर से एमनीजिया वाला क्वेश्चन आया शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस टू आई लिव इन इंदौर दैट काइंड यू लिव इन मुंबई यू डोंट लिव इन डेली टू यू लिव इन मुंबई डाउट ठीक है ही लिव्स इन इंदौर ही डजेंट लिव इन डेली डज ही लिव इन इंदौर ठीक है तो लाइक दिस यू कैन प्रैक्टिस कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग लाइक दिस ठीक है एंड नाउ वन लास्ट थिंग हाउ डू वी एड द डब्ल्यू एच क्वेस्थ दिस डू एंड डज क्योंकि सारे ही तो क्वेस्चन्स ऑग्जलरी से नहीं होंगे ना कुछ क्वेश्चन तो वॉट वाले भी होंगे ना तो कैसे होते हैं ये वाले क्वेश्चंस वट डू यू डू ऑन संडे सैटरडे मॉर्निंग्स वट डज शी डू ऑन वीक डेज ये जो मॉर्निंग है ना ये मॉर्निंग्स होना चाहिए क्योंकि हम किस लिए पूछ रहे हैं जेनरली वट डू यू डू ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स इसके बारे में पूछ रहे हैं वॉट डिड यू डू ऑन सैटरडे मॉर्निंग सैटरडे मॉर्निंग मतलब जो पास सैटरडे मॉर्निंग है उसकी बात नहीं कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे एस होना चाहिए मॉर्निंग्स में मैंने इसलिए जानबूझ कर एस लगा के बोला है उसको ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वॉट डू यू डू ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स आई हैव ब्रेकफेस्ट इन अ रेस्टोर ठीक है आई हैव ब्रेकफस्ट हैव क्या है सिंपल प्रेजेंट है ठीक है और ये यह यहाँ पे मेन मेन वर्ब है ठीक है इसको आप जो परफेक्ट टेंसेज में हैव आता है ना जो ऑक्सिलरी है उससे कंफ्यूज मत करना ठीक है ये वाला जो हैव है ये मेन वर्ब है इस हैव का मतलब है खाना इस हैव का मतलब है कंज्यूम करना आई हैव एन एपल एवरी डे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसको आप परफेक्ट टेंस वाले है कन्फ्यूज मत कीजिएगा ठीक है इसका मतलब खाने से होता है डू यू हैव ब्रेकफस्ट ये वो वाला कंजम्पन वाला है ना वॉट डू डू ऑन सैटरडे मॉर्निंगस आई हैव ब्रेकफस्ट इन अ रेस्टोरेंट वॉट डज शी डू ऑन वीकडेज शी डज एक्सरसाइज When do you go to school? We go to school on weekdays. When does he play? He plays soccer on Wednesday. Take care. So, with this, we have come to the end of this session. You take uh, the slides again, you go through the video again, and you can uh, write the exercises write questions do some practice if you have any doubt do let me know and if there's anything else you know that remains in your mind as a question do let me know that also i'll be very happy to clarify okay so thank you for now bye bye keep watching